दोस्तों, अगर आप YouTube के ऊपर कॉपी एंड पेस्ट करके मनी मेक करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कंप्लीट ब्लूप्रिंट शेयर करने वाला हूं, जिसके माध्यम से आप YouTube के ऊपर कॉपी एंड पेस्ट करके अपने एफिलिएट प्रोडक्ट्स और सीपी ऑफर्स को प्रमोट कर सकते हैं। एंड दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी भी शेयर करने वाला हूँ, मीन्स मैं किस तरीके से यूट्यूब के ऊपर कॉपी एंड पेस्ट करके अपने एफिलिएट प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहा हूँ। तो गाइस, अगर आपको हमारी कंप्लीट स्ट्रैटेजी के बारे में जानना है तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है, एक भी पार्ट को मिस नहीं करना। दोस्तों, यूट्यूब के ऊपर कॉपी एंड पेस्ट करके मनी मेक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक नीस को सेलेक्ट करना है जिसके अकॉर्डिंग हम अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करें। एंड दोस्तों, नीस सेलेक्ट करने के लिए सिंपली आपको एक एफर्ट नेटवर्क को ज्वाइन कर लेना है। एंड दोस्तों, ऑनलाइन आपको बहुत सारे एफर्ट नेटवर्क्स मिल जाते हैं, जैसे कि आपको क्लिक बैंक मिल जाता है, जेबीजू मिल जाता है, वोरर प्लस मिल जाता है, डिजिटल 24 मिल जाता है। सिंपली आपको किसी भी एक एफर्ट नेटवर्क को ज्वाइन कर लेना है, जैसे कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूँ क्लिक बैंक का। तो सिंपली हमने यहाँ पर क्लिक बैंक के अंदर लॉगिन कर लिया है और इसके मार्केट प्लेस को हमने यहाँ पर ओपन कर लिया। जैसे ही आप यहाँ पर इसके मार्केट प्लेस को ओपन करते हैं तो आपके सामने इतनी सारी नीश आती है जिनके ऊपर आप अपने यूट्यूब चैनल को क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जांपल देने वाला स्पिरिचुअलिटी के नीश का, तो सिंपली हमने यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी की नीश को ओपन कर लिया। जैसे हम यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी की नीश को ओपन करते हैं तो हमारे सामने इतने सारे प्रोडक्ट्स आते हैं जिनको हम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रमोट कर सकते हैं। जैसे कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूँ इस वाले प्रोडक्ट का, जिसका नाम क्या है, वेल्थ मैनिफेस्टेशन। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप इस प्रोडक्ट को यहाँ पर प्रमोट करते हैं तो उस केस में आपको यहाँ पर सेल का $48 तक का कमीशन मिल जाता है और यहाँ पर इसका ग्रेविटी स्कोर भी काफी अच्छा है। तो हम सिंपली क्या करने वाले, इसी वाले प्रोडक्ट को अपने यूट्यूब वीडियोज के अंदर प्रमोट करने वाले हैं। प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, हमें अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग वीडियोस को डाउनलोड करना है जिसको हम अपने यूट्यूब चैनल को अपलोड करेंगे। तो गाइज, मैं आपके साथ अपने पर्सनल दो तरीके शेयर करने वाला हूँ जिसके माध्यम से मैं वीडियोस को फाइंड आउट करता हूँ। तो गाइज, तरीके नंबर वन में हम क्या करते हैं, तरीके नंबर वन में हम यूट्यूब का यूज करते हैं वीडियोज को फाइंड आउट करने के लिए। तो सिंपली आपको यूट्यूब के ऊपर आना है और सर्च के अंदर आपको अपना मेन कीवर्ड टाइप कर देना है। जैसे कि हमारा मेन कीवर्ड क्या है, वेल्थ मैनिफेस्टेशन। तो सिंपली मैंने यहाँ पर अपने मेन कीवर्ड को कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद सर्च के अंदर टाइप कर दिया। जैसे हम यहाँ पर सर्च के अंदर टाइप करेंगे तो हमारे सामने इतनी सारी वीडियोज आएंगी जिनको हम सिंपली हम यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं और अपने चैनल के ऊपर हम अपलोड कर सकते हैं। पर गाइज, मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूंगा कि आपको यहाँ पर डायरेक्ट वीडियोज को अपलोड नहीं करना। अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट वीडियोज को अपलोड करते हैं तो आपकी वीडियो के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर कॉपीराइट क्लेम की दिक्कत आ सकती है। तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको यहाँ पर फिल्टर का यूज करना है। तो सिंपली आपको फिल्टर को पढ़ाना है और यहाँ पर आपको क्रिएटिव कॉमन के फिल्टर को लगा देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्रिएटिव कॉमन के फिल्टर को लगाएंगे तो आपके सामने जितनी भी वीडियोज यहाँ पर आएंगी सारे के सारे वीडियोज यहाँ पर कॉपीराइट फ्री होते हैं। तो सिंपली आपको किसी भी एक वीडियो को पढ़ाना है और उसके ऊपर को राइट क्लिक करना है और कॉपी लिंक एड्रेस कर लेना है। इतना काम करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर आना है जिसका नाम क्या है, सेव फ्रॉम डॉट एंड। बहुत ही अमेजिंग वेबसाइट है दोस्तों, इस वेबसाइट के माध्यम से आप अपनी वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हो। तो सिंपली आपको इस वेबसाइट के ऊपर आना है और यहाँ पर आपको अपने लिंक को पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद सिंपली आपको डाउनलोड इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। उसी तरीके में हम यूज करते हैं पिक्सल्स का अपनी वीडियोस को क्रिएट करने के लिए। तो सिंपली आपको पिक्सल्स के ऊपर आना है और यहाँ पर आपको अपना मेन कीवर्ड टाइप कर देना है। जैसे कि मेरा मेन कीवर्ड यहाँ पर क्या है, मैनिफेस्टेशन। तो मैंने यहाँ पर सर्च के अंदर मैनिफेस्टेशन को टाइप कर दिया है और सर्च के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे आप सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह वाला इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको वीडियोस का ऑप्शन रहेगा, सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इतनी सारी वीडियोस आएंगी, सिंपली आपको यहाँ पर किसी भी एक वीडियो को डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको काइन मास्टर या फिर फिल्मोरा के अंदर जाना है और वहां पर आपको अपनी वीडियो को एडिट करना स्टार्ट कर देना है। दोस्तों, वॉइस ओवर के लिए आप अपनी खुद की वॉइस या फिर ऑटो जनरेटेड वॉइस का यूज कर सकते हैं। एंड ऑनलाइन आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं जिसके माध्यम से आप ऑटो जनरेटेड वॉइस को क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली आपको अपनी वॉइस को क्रिएट करना है और अपनी वीडियो के साथ आपको अपनी वॉइस को लगा देना है। इस प्रकार से क्या होगी, आपकी यूनिक वीडियो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी जिसको आप सिंपली अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो क्रिएट करने के बाद सिंपली आपको यूट्यूब के ऊपर आना है और यहाँ पर आपको अपनी नीड्स के अनुसार अपने चैनल को क्रिएट करना है। जैसे कि हमने यहाँ पर अपनी नीड्स के अनुसार चैनल को क्रिएट किया है और इसके अंदर हमने अपनी वीडियो को अपलोड कर दिया। सेम इसी तरीके से आपको भी अपने चैनल के अंदर वीडियो को अपलोड करना है और वीडियो अपलोड करने के बाद आपको अपनी वीडियो का SEO भी करना है, क्योंकि विदाउट SEO आपकी वीडियो के ऊपर रीच नहीं आएगी और जब तक आपकी वीडियो के ऊपर रीच नहीं आएगी तब तक आपकी वीडियो के ऊपर व्यूज नहीं आएंगे और जब तक आपकी वीडियो के ऊपर व्यूज नहीं आएंगे तब तक आप यहाँ पर मनी मेक नहीं कर पाएंगे।
तो वीडियो एसईओ करने का सबसे पहला पार्ट यहाँ पर आता है टाइटल का। आपको यहाँ पर सोच समझ के अपना टाइटल बनाना है, तो अपने टाइटल के अंदर आपको दो चीजों को अच्छे से ऑप्टिमाइज करना है। पहली चीज यहाँ पर आता है आपका कीवर्ड। आपको अपने टाइटल के अंदर अपने मेन कीवर्ड को ऑप्टिमाइज करना है जिसके ऊपर आप अपनी वीडियो को यहाँ पर रैंक करवाना चाहते हैं। और दूसरा यहाँ पर आपको अपने टाइटल को अट्रैक्टिव बनाना है ताकि आपके टाइटल के माध्यम से आपकी वीडियो के ऊपर मैक्सिमम से मैक्सिमम क्लिक्स मिल सके। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने बहुत ही सिंपल से यहाँ पर टाइटल बनाया है, परंतु इसको हमने यहाँ पर काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज किया है ताकि हमारी वीडियो के ऊपर मैक्सिमम क्लिक्स आ सके। और यहाँ पर हमने अपने मेन कीवर्ड को ऑप्टिमाइज कर दिया। दोस्तों कीवर्ड फाइंड करने के लिए आप सिंपली यहाँ पर यूट्यूब का यूज कर सकते हो। सिंपली आपको यूट्यूब के ऊपर आना है और रिसर्च इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह वाला पेज आएगा और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सर्च का। सिंपली आपको यहाँ पर अपना कीवर्ड डालना है जिसके अनुसार आप यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च करना चाहते हैं। जैसे कि मैं मैनिफेस्टेशन के अनुसार अपने कीवर्ड्स को फाइंड करना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया मैनिफेस्टेशन और सर्च के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे आप सर्च के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर वो कंट्री सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो जिस भी कंट्री के अंदर आप अपने कीवर्ड्स को मीन्स आप अपनी वीडियो को यहाँ पर रैंक करवाना चाहते हैं उस कंट्री को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर कंट्री को सेलेक्ट करेंगे और सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इतने सारे कीवर्ड्स आएंगे जिनको आप अपनी वीडियोस के अंदर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सभी के आपको यहाँ पर सर्च वॉल्यूम नजर आ रहे हैं, तो जो भी कीवर्ड आपको अच्छा लग रहा है, आपको लगता है इस वाले कीवर्ड के ऊपर आपकी वीडियो यहाँ पर रैंक कर सकती है, उस कीवर्ड को आपको कॉपी करना है और आपको सिंपली अपने टाइटल के अंदर ऑप्टिमाइज कर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर वेल्थ मैनिफेस्टेशन को अपने टाइटल के अंदर ऑप्टिमाइज किया है, तो इसी कीवर्ड के ऊपर मैं अपनी वीडियो को यहाँ पर रैंक करवाना चाहता हूँ। तो टाइटल क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहा है डिस्क्रिप्शन का। सिंपली आपको अपने डिस्क्रिप्शन को भी ऑप्टिमाइज करना है और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको कम से कम दो से लेकर तीन कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज कर देना है। इतना काम करने के बाद सिंपली आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर आपको अपना एक्शन बटन लगाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया क्लिक हियर, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर अपनी एक्शन लाइन को लिखना है और यहाँ पर आपको अपने एफर्ट लिंक को भी पेस्ट कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको 4 से लेकर 5 हैशटैग को भी लगा लेना है ताकि आपकी वीडियो को यहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम रीच मिल सके। इतना काम करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर आपको अपनी वीडियो के अनुसार थंबनेल को बनाना है और उसको आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। इतना काम करने के बाद आपको अगेन थोड़ा सा नीचे जाना है और यहाँ पर आपको मैनिफेस्टो से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट को बनाना है और उसके अंदर आपको अपनी वीडियो को सेव कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर सारे स्टेप्स को कंप्लीट कर लें, उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे जाना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, इसके ऊपर टिक कर देना है। आपको शो मोर इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह वाला पेज आएगा और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड टैग्स का। सिंपली आपको यहाँ पर अपने वीडियो के अनुसार टैग को क्रिएट करना है और उनको आपको यहाँ पर पुट कर देना है। एंड दोस्तों टैग फाइंड करने के लिए सिंपली आप यहाँ पर इस वाले टूल का यूज कर सकते हो जिसका नाम है रैपिड टैग्स है। वो बहुत ही अमेजिंग टूल है। एंड दोस्तों इस टूल के माध्यम से आप फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने टैग्स को फाइंड कर सकते हो। और टैग्स को फाइंड करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको अपना मेन कीवर्ड पुट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया वेल्थ मैनिफेस्टेशन और सर्च के ऊपर क्लिक कर दिया है। जैसे हम सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस वाले कीवर्ड के अनुसार टैग्स आ जाएंगे। सिंपली आपको यहाँ पर आना है, कॉपी इसके ऊपर क्लिक करना है, आपके टैग्स यहाँ पर कॉपी हो जाएंगे। अगेन आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको अपने टैग्स को पुट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर टैग्स को पुट करेंगे तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन आएगा। सिंपली आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर आपको वीडियो लैंग्वेज का ऑप्शन रहेगा। सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर वीडियो लैंग्वेज के अंदर आपको इंग्लिश को सेलेक्ट कर लेना है। इतना काम करने के बाद थोड़ा सा नीचे आपको आना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा वीडियो लोकेशन का। वीडियो लोकेशन के अंदर आपको यूनाइटेड स्टेट्स को सेलेक्ट कर लेना है। इतना काम करने के बाद अगेन आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है कैटेगरी का। सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और कैटेगरी के अंदर आपको सेलेक्ट कर लेना है हाउ टू एंड स्टाइल। सिंपली हम इसको सेलेक्ट करते हैं। इस प्रकार से क्या हो चुका है, यहाँ पर हमारी वीडियो का एसईओ का पार्ट हो चुका है। इतना काम करने के बाद अगेन आपको यहाँ पर आना है और नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला पेज आएगा। अगर आप इस वाले ऑप्शन को यहाँ पर ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो इसको भी आप यहाँ पर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और इसको ऑप्टिमाइज करने से आपकी वीडियो को यहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम रीच मिलती है। इतना काम करने के बाद अगेन आपको नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर अगेन आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, फिर पब्लिक इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर पब्लिश इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे पब्लिश के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो यहाँ पर पब्लिश होगी। आप यूट्यूब के ऊपर कंसिस्टेंटली अपनी वीडियोस को अपलोड करते हैं तो एक ना एक वीडियो आपके यहाँ पर निकल जाती है जिसके ऊपर आपको लाखों में व्यूज मिल जाते हैं। अगर आपकी एक भी वीडियो के ऊपर लाखों में व्यूज आ गई तो गाइस उसके माध्यम से आप बहुत सारा एफर्ट मार्केटिंग थ्रू मनी मेक कर सकते हैं। आई होप आपको आज की स्ट्रेटजी और तरीका पसंद आया होगा। अगर आपको आज की स्ट्रेटजी और मेथड पसंद आया है तो प्लीज चैनल को शेयर व सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।